नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए, और आज मैं यहां ये पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है, और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवे, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवे के एम्प्लॉई हैं आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीन कर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, पावर जनरेशन 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलर विंड एसेट्स फ्रॉम एनएचपीसी एनटीपीसी एनएलसी, नेशनल गैस पाइपलाइन 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन, किसको जा रहा है आप जानते हो, पेट्रोलियम पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड एचसीएल की पाइपलाइन, टेलीकॉम्स 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, बीएसएनएल एंड एमटीएनएल के टावर्स, वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग, 210 लाख मैट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मैट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है, कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000
लाख करोड़ 21,000 करोड़ सॉरी 25 एयरपोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम, पोर्ट्स 13,000 करोड़ 31 प्रोजेक्ट्स 9 पोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम, स्टेडियम 11,000 करोड़ 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाइयों और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं इसका, नहीं वो एक लाइन थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये आपका भविष्य है, ये जो आपका भविष्य है इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है, रियलिटी है। हमारा हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था, लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था, इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे, स्ट्रेटेजिक क्योंकि यह हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है, स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे, और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो, मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं, सारे के सारे, मैंने आपको नाम दिया है, पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए। देश को नुकसान कैसे होगा, और जो देश के युवा हैं आप इसको अच्छी तरह सुनिए, जैसे ही ये मोनोपोलीज बनती जाएंगी वैसे ही उतनी ही रेट से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूं और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए, जैसे ही ये होगा वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह समझिए। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द बीजेपी सेड दैट द कांग्रेस पार्टी हैज डन नथिंग इन 70 इयर्स, देयर इज अ लिस्ट हियर ऑफ ऑल द एसेट्स दैट द कांग्रेस पार्टी
has Congress party has helped build. These assets have been built using public money, thousands and thousands of crores of rupees over the last 70 years. Now the Prime Minister is in the process of selling the crown jewels of this country. I'm going to read what is being sold, and you can guess to which monopolist it is being sold. Frankly, this entire list is going to go to only three or four people. And these are the sectors that those three or four people are interested in. So, roads, 1.6 lakh crores, 26,700 kilometers of national highways. Railways, 1.5 lakh crores, 400 stations, 150 trains, railway tracks and woodsheds. Power transmission, 42,300 circuit kilometers of transmission network. Power generation, 40,000 crores, 6,000 megawatts of hydro, solar, wind assets. Natural gas pipeline, 25,000 crores, 8,000 kilometers of GAIL pipeline. Power pipeline, 4,000 kilometers, sorry, oil, petrol pipeline, 4,000 kilometers, Indian Oil and HPCL pipeline, 22,000 crores. Telecom, 35,000 crores, 2.86 lakh kilometers of BharatNet fiber optics. Warehousing, 29,000 crores, 210 lakh metric tons of food storage. Who is this designed to hurt? This is designed to hurt our farmers. This is designed to make sure that one person gets a monopoly in the agricultural system of India. Mining, 20,000 crores, 160 coal mines. Airports, 21,000 crores, 25 airports. You know who the airports are going to, who they've been going to. These 25 will also go there. Ports, 13,000 crores, 31 projects, 9 ports. You know who that is going to go to. Stadiums, 11,000 crores, 2 national stadiums. So this is what is being given away, what is being gifted. Now, we had a privatization policy. We are not against privatization. We believe that there should be a strategy for privatization. What were the pillars of our strategy? First of all, no strategic asset will be sold. In that there is defense, in that there is railways. You can see that a strategic asset is being sold, right? We said only companies which are chronically loss-making, only companies which have minimal market share, and we will not sell companies where there is a risk of a monopolist. So where the public sector can help ensure that the industry is fair, free, and is not monopolized, we will not sell that sector. This entire privatization is designed to create monopolies. The whole idea behind this thing is to create monopolies for three or four people. And my young friends who are today searching for a job cannot find a job. You have to understand that the reason you cannot find a job is because the entire small and medium industries have been destroyed. And the reason they've been destroyed is because the Prime Minister insists on building two or three monopolies that own everything in this country. This is not just a gifting of India's assets. This is going to ensure that the young people in India will not be able to find employment in the future. I gave a warning during Corona. I said to you that Corona is going to be a disaster. I was ridiculed. I am saying to you again, this thing is going to ensure that our young people do not get jobs. This is going to ensure that our entire industrial structure is controlled by two or three people. And so as a youngster, it is your duty and my duty to fight this
and to make people understand what the Prime Minister is doing. The Prime Minister is not working for the people of India. The Prime Minister is working for two or three monopolists. There are many other issues related to this, which we haven't gone into the details of, but we are concerned. There is the issue of what happens to reservations, for example. There is the issue of what happens to strategic industries. So we are going to study those things and we are going to come out with a viewpoint on those ideas. But the central idea here is that what this country has built over the last 70 years is being given away. Right? There is an excuse they've come up with that we are leasing this. Right? You are leasing, for example, you are leasing a gas pipeline. You are leasing it for a percent of the value. How much money has the Indian have the Indian people put into building that pipeline? Thousands and thousands and thousands and thousands of crores have been put into that to create that asset. Now you're going to take a little bit of rent from that asset and you're going to give the asset to these people. And what's going to happen after 40 years? Who knows? Who knows what's going to happen after 40 years? Now, the government clearly has mishandled the economy. The government clearly does not know what to do. They have basically destroyed what the UPA built. And now, as a last resort, they are selling everything that we had helped create. So to me, this is a huge tragedy, and it is something that every patriotic person, every nationalistic person should oppose. Now, if Chidambaramji would like to say something, please, then you can ask questions. देखते रहिए डीवी भारती समाचार नजर हर खबर पर.